1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमीर की सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सरना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। देखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। हिम्मत पकड़ सुल्तान। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। माफ कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह, मनसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। कर्नल हाउटन इज हियर टू ब्रीफ अस, हमसे कुछ कहना चाहते हैं। सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, बाकी पोजीशन पर। सिख
सारी खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डिबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोकते और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह फतेह हिंदुस्तानियों के खिलाफ फतेह। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है कुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। नया सर, सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमना काटी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ हम खा रहे हैं और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो महमूद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वो जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली? महमदुल्ला अपनी जबान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। यकीन का सिक्का महमूद अल्लाह। जो बच्चों का इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर,
गांधी का नाम है सामना और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था सवा लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम को आवा दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000 36 रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, चांस सिंह। साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे। बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements clear. Headquarters ने मना कर दिया है। What can we do? साहिब मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता। साहिब मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। इधर आओ बेटा सिंह। Come on, don't be shy old chap. Nothing to worry about. Closer. Closer. Come on. A bit closer. A bit more closer. That's perfect. So tum apne senior officer ke hukm mana kar rahe ho? Wo baat nahi sir. Mujhe jaane do, main 2 hafte mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na. Aap afsar log bhi to jaate ho chuti par. पिछले महीने आप ही तो गए थे ना। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप। भुट्टा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांगो। Apologize, Bhutta! Apologize! Kamala Naman, Mami Mangala. Eric! Dean! Scoundrels! Both of you!
मुझसे बच कर रहना। कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह, जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं, उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो क्या होना है पुत्र, चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। कैसी सुनी? इशर है पुत्र, आ जा बैठ के कट्ठे रोटी खाने।
देख लीजिए। मेरे से गया बापू, तेरा पुत्र जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। और याद में सिपाही का खून जाता है। मां सुने टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। असला हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
सब थैंक यू चांसलर सब इट्स वेरी टेस्टी थोड़ा और मिलेगा बिल्कुल सर थैंक यू सब आप सब गुलिस्ता के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद अब करदली के पास रखवा दिया शुक्रिया और हाँ चंद सिंह अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अगजाए वापस जिंदा ना लौटे नहीं लौटेंगे साहब इस बार 1000 आए थे अगली बार 2000 आएंगे फिर भी हारेंगे जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब जज्बा लगता है तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह अगली बार और अगजाए 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके एक ऐसी तरकीब जिसे और अगजाए टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर वी हैव अ लॉट एट स्टेक यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर से खेलने की उम्र नहीं है तेरी चल नीचे आ कारतूस के बिना बंदूक किस काम की ए तुसी रख लो पहला फिर दे दे मेरे काम तुसी रख लो इसी आप रोटी नहीं खा रहे तू खा भी रहे मैं बाज खाना है इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया इतना अच्छा जाएगा सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को कैसे काट लेगा चंगोल की शान कितर सिंह जी का भतीजा हूं मैं ये भी तू नहीं सिखाया हो ना इसको शुरू करो पापा जी और सब ठीक तो चल रहा है ना तेरी पोस्टिंग ठीक है पोस्ट पे ठीक नहीं है पापा जी क्यों अफगानियों का एक कबीला है और अगजाई नाम से वो सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं आप समझो बाबा जी ये रोटी हमारी जमीन है इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है साड़ी जमीन पे दो किले हैं किला लुकाट ते किला गुलिस्तान हमारी 36 सिख रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजा इन दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्तान कर सकता है और गुलिस्तान की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है ये दोनों की मदद करेगा तू आजा आजा रोटी खान दे तू ही खा पुत्र जी बाबू जी जी मैं मिंटू वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा आ जाओ फिर रोटी खा ले नहीं जी तुसी खा लो मैंने कहा आपको याद है जी वो मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था पर आपके बाग में भी बहुत बार मैंने आंबिया चुराई थी असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा कभी रे हाँ जी हाँ जी मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी कुछ गंभीर मसला लगता है जी बरनाले से पर बरनाले में तो बूटा रहता ये पहलवान कौन है आओ बाबा जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल ओ बूटा की होया पुत्र है भाई ओ इत्थे की होया ओ इत्थे ओए खेतों वाले मसले बैठ जा सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल ईश्वर सिंह की हाल रब दी मेहर जी तुहाडा आशीर्वाद ने सब ठीक ने ईश्वर सिंह
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੋ ਇਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਮਾਫ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਕਿਉਂ ਸੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੀ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤੋ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਔਰੰਗ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਵਾਲੋ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਮਾਫ਼ੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਡੀਬ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਾਇਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੂਬਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ, ਆਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ, ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਬੇਸਰਾ ਘੜੀ। ਖੋਲ ਦੋ ਕਿਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਗਿਰੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਬਾਂਧ, ਸੀਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਇਹ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬਦਲਾ ਹਾਂ।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह बोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ भोला सिंह। ये हो गया भोले, कुछ हलचल हो रही है। ओ कबीले वाले हो रहे हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। उसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की कर लग गया भोलिया। ऐसे भी चलो देख लेते। जिंदा है क्या करें? इस औरंगजाई को सारा गड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहेब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्ची। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्ची। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिद? मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ, मैंने जिंदगी बख्शी, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। कलम कर देंगे हम इसका।
अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही हैं। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही है। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सा बुन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा, उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। एलाने जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती है, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है, आपको उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना होती सही ना, तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी कफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये शायद आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।
सब तैयार? राजी। हाँ जी। दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी शेरपा जी को देना पड़ेगा। पहला झंडा शेरपा जी, पहला झंडा दिख रहा है। बारह हजार बंदा है हमारे साथ। रब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है। ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। Stop.
2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh. हाँ जी बाजी. वही दोनों पोस्टों पर संदेश भेज दें. पंच पंच जाके दो दस्ते आ रहे हैं. हमला जल्दी होने वाला है. पीछे पीछे हो गया भाजी. चंगा for 6 hours. Tell Isha to abandon at will. Aji Gulista se sandesh aa raha hai. साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है, पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे. चलो रवड़ी, मेरा दस्ता तो आ रहा है, पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते. कोई गल नहीं काके, अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है. पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं. पर रोकेंगे, जरूर रोकेंगे. हीरा जी पाजी, काम कर. जी जनाब. देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है. ओए तलाशी लो इसको. जी जनाब. जनाब
पेशावर से ब्रिटेनिय फौज का पैगाम आवे 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए गोलिस्तान सारागिरी और लौका की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहे थे, उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं बादशाह, पर खुदा का मेरा हमारे साथ है महमूदुल्लाह। दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह, वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या फिर? और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारागिरी, ताकि गोलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़े तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। ओए सुनो, ओए बाकी 10 तो पैगाम भेज दो। सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलपाशा ने वापस बुलाया है, वापस चलो। जनाब, गुलपाशा ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है? चलो घोड़ों को वापस लाओ। जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो इस गुलबादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि हमारे फौजी दस्ते पड़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्ता जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुलबादशाह, आजा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigami? But why is Gulatek in Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Will be there as soon as possible. Sir. वो देख लिया तुमने? शेट्टी, इतना काम नहीं चलूँगा। मारू दिया, मारू चल मैं सामने। जी। शेट्टी जी बस, शेट्टी। हजार और अगजाई के सामने एक ही सिख कल हॉकन को SOS भेजो सारा गाड़ी को मदद की जरूरत है वो सिर्फ 21 है मेजर साहब का संदेश है साहब सारागाड़ी को मदद की जरूरत है सेंड अ मैसेज टू ईशर सिंह लीव सारागाड़ी इमीडिएटली जी साहब छोड़ दो ईशर पाजी कर्नल साहब का संदेश है सारागाड़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो लिख के हमारे पास तरकीब है जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं हम पे भरोसा रखे ये भी लिखो हर बॉस की जिम्मेदारी जरूरी है ऐसे कम नहीं चलता और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है हर बॉस की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए लुकाट पे औरतें और बच्चे भी हैं कुछ भी हो सकता है पाजी उनका वापस संदेश आया है वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं और क्या और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें तू जो आप भेज लोखाट को भेज के अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें ठीक है भाजी कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है हाँ जी पर पाजी हाँ इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा ओए काके ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहां पे नहीं लहराने देना ओए हमें के शेरी बड़े काफी है इसके लिए है कि नहीं बिल्कुल पाजी चल जा जिस दिशा आए तो मुझे बता देना हाँ जी और तैयार हो जा सारे मोदी जल्दी
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था मेहमदुल्ला। हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोगुने वक्त लगे। और पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे और उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे।
लोग अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। उड़क साइकिल को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूकें बंदूकें चला रहे हैं। तैयार एक दो हमला। मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुप कर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि तीन पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की एक पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों ने दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। साहब तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragadi? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Could it have been quiet for some time? Kuldeep Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tanat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlo ki wajah se kam nahi karegi. Yes, sir. सिंह, और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Yeah!
आजा। ओ भाई गुरु। नहीं क्यों होया? ओ भाई जिसका डर था हरे बंदे सारे। Yeah,
नजर रखे हाथ बंदूक पे, एक भी बंदा नजर से हटना नहीं चाहिए। मत उठा इराम, नजर रखे मार दे पाजी। दुश्मन को आगे आने दो, उसको पता चल गया होगा इस पोस्ट पे कितने बंदे हैं। इस बार उसने सारी ताकत एक बार में लगानी है। ईश्वर पाजी फिक्र ना करो, आने दो इनको वापस। इन भगोड़ों को उनकी बीवियों ने वापस भेज दिया। लगता गुरबादशाह की बीवी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मरने भेज दिया हमारे हाथों। आ गुरबादशाह, तेरी खोपड़ी में पहली गोली मैं मारूंगा। कमीनो, तुम सबको सबक सिखाना बाकी है। दिखा देंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का क्या अंजाम है। ओए दद्दू, शिवाजी, अब रोटी तभी खाएंगे जब एक एक को जमीन में गाड़ देंगे। भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतह। भाई तो पैसा अपने लेकर आओ। दुश्मन ने जितने भी बुद्ध खड़े किए हैं, तोपों का निशान है उन पर लगाया जाए। सही पहचाना गुरबादशाह, एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं। सही पहचाना। ऐशर सिंह गुरबादशाह और जय की लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा, वो बेवकूफ बन रहा है। और ये फौजियों को पुतला, रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल, हौसला है उसमें। पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है, वो कैशेर की तरह आ रहा हमारे पीछे। बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से तेज चलता है। मान गए गुरु, आपने तो दुश्मन की चाल समझ ली थी, वरना हम तो बेजुकों की कब्र में फायरिंग करना चाहते थे। अगर हम ऐसा करते तो गुलबादशाह हमारी धज्जियां उड़ा देता। तो बचा लिया आपने, अब आगे क्या है? तो आगे भाई तेरा सारी तैयारी कर चुका है और जीवानंद मेहर अपनी अपनी पोजिशन पे तैयार है। बाजी तो भी क्यों असला बारूद खराब कर रहे हो गुलबादशाह? मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। मैं बदल, पहली बात तो दुश्मन को पता लगना चाहिए कि हमें उसके जाल का अंदाजा है, और उसको ये भी पता लग जाएगा हमारा ताकत कितना। और अगर इन बातों के पीछे कोई हिंदुस्तानी फौज ही छुपा होगा
उसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मसाले ले आया पाजी। बहुत चंगा हो सारे बंदर तैयार हो जाओ। इसे मेरे हुक्म का इंतजार करो। बहुत तेज है ईशा सिंह का, लेकिन वो नहीं जानता उन बादशाह को रोकना नामुमकिन है। अभी आपकी आगरी तरकीब तो काम कर गई। वो इस बार उनकी रफ्तार कम हुई है, हम ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि तब तक पिशावर से सस्ता पहुंच जाएगा। गुरुवार की लगता है बदलता पता नहीं पाजी, कुछ पता नहीं। आधा घंटा भी लग सकते हैं, एक घंटा भी लग सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता। क्या पता क्या पता, पुराने कई सहारे अब तो। साहब
गुलबादशाह की फौज आगे बढ़ती जा रही है साहब। उन लोगों ने अब तोपों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हमारी तरफ से जवाबी गोलाबारी जारी है, लेकिन वो तादाद में कई हजार है और सारागढ़ी में तैनात है सिर्फ 21 सिख फौजी। जुमा भी पोजीशन पर रहो और निशवर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं साहब, अभी तक तो नहीं। बादल और गहरा में
रब करे सब कुछ ना। और सुंदर भी चंगा कुछ नहीं होना सुंदर तो कमरा ना सुंदर में कुछ नहीं होना। शर्पा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। तो जिसमें एक जान है आज तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए पाजी। और पाजी जो सुंदर में कुछ हो गया ना तो मैं दर्द को क्या दिखाऊं? ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना ऐसा। ऐसा ना सोच, वाहे गुरु है साढ़े नाल भैरम तुए। तो देखना शर सिंह और साढ़े बंदे इस कुल बस्तन पका पका के मारेंगे। कोई नहीं बचना ते, कोई नहीं। मुकाबला बेहद मुश्किल है बाजी। रब पर भरोसा रख, याद है ना तेनो एक एक सिख सवा लाख बराबर। अपनी जगह छोड़ के भागेगा नहीं, जिहाद में भी जहाद ना खोप रहे। पहला मुकाम सारा गिड़े, दूसरा मुकाम औरिस्तान और लोकहाट। अब ये जंग तभी खत्म होगी जब तीनों किलों पे हमारा परचम लहराएगा।
पेशावर का दस्ता नजर आने लगा है साहब। किस तरफ? साहब दक्षिण की तरफ से। ट्रूप्स के बारे में 3 घंटे और लगेंगे। सेंड अ मैसेज। जी साहब। पेशावर से निकला हुआ दस्ता अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में पहुंच जाएगा। ओले सोनिया!
किसी भी फौजी को अपनी जगह रहने लगी मोहलत मत देना। जो सर बाहर निकाले वो हमारे निशाने में होना चाहिए। सबसे बहादुर सी पे सरदार शहीद हो गया। ये बिना बात में भटियो और चलो भाई मेरे दादा वो मेरे दादा सती सती नीचे नीचे और दूसरी बात नीचे वाइटल वाला दस्तार हमारे एक सिपाही की जान। हमने कम से कम नहीं तो 2000 बंदा उनका खत्म कर दिया। तो किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? तो मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहां पर वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है? हमारे मन में मौत का खौफ हो ना तो रहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है। कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में पानी बह रहा है कोई नहीं बाजी और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है। जंग हिम्मत से जीती जाती है हौसले से जीती जाती है ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। Thank you.
ये जो बंदा है ना कुल बादशाह, इसके इरादे नापाक हैं। हमारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे। बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे। कोई तो पोस्ट है हमारे पास, लगाट ते पुलिस का टीवी साहब है तेन लगाट में मेन साहब, और हमको कैसे मारना है उन्हें अपने बच्चों की तरह। हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है जैसे हम अपने परिवार की करते हैं। करेंगे कि नहीं दुश्मन का पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। कोई सवाल से कोई शक, ये तो साहस है ना, मारी नहीं है सच्चे बादशाह की है। ये जिंदगी मारी नहीं है, कैसी चली गई ते चली गई। कोई सवाल से कोई शक, कोई मैसेज सारा गरी से? नहीं सर। इसका मतलब सारा गरी का हेलीग्राफ काम नहीं कर रहा, और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंचा है। डैमेज, have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing? Stop. Hum dusri paltan lekar sara gari jayenge. Balwinder, tum bhi saath chalo. जी साहब। सारा गरी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं साहब। कला सिंह, तुम हर वक्त यही रहोगे, और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना। जी साहब, मैं यही मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर, तुम दूसरी दस्ती को इमीडिएटली तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुगरू से नहीं है, परदादे से नहीं है, और ना ही कोई बंदा लोहार से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले सोनिया, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है।
अजीब है, रुक किधर है? रुक। सिमर बाबू आप क्यों परेशान, आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. Uta. Uta. मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा, काश मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला नहीं, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। तुम्हारा गुरूर है ठीक हूँ मैं। हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया। जीवा
सांस से भी कम है अरे और कोने भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा सारे के लिए हार गया अलग जाइयो करा अगर स्नान जरूर करवा देगा ये शहादत भी किसी किसी खुशनसीब को नसीब होती है तो घबरा नहीं सारे के लिए हार गया इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें बादशाह से हार बादशाह अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेटी को जाएंगे संदेश आना शुरू हो गया है ओ पाजी बताओ मैंने और मैं करूं क्या संदेश भेज रहा है छह शून्य अगर इस कमरे में आग लगाती हो तो उसका और सरपरस्त हो जाएगा अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची अंदर मेहर करूं पर मेहर करवाए करो मेरे मालिक Thank you.
क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काला सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया हो। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कुरमू की एक ऐसा है जो संदेश भेजना चाहता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहेगुरु, मेहर कर, मेहर कर उन सब पर।
आँख से मिलके राख सहोरे लिखते लहू से अपनी हस्ती कफन बांधे है तो हमने बांधे दीवारों से पक्के हैं ये इरादे है वतन Teresa, mom is crying. A lot of pain. Come. Try to breathe harder. You need to breathe harder, you know? What's happened? Is she critical? I think she needs a surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep... I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती मैं और इंतजार नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने ये करा भाजी मैं हूं यहां पे वह गुरु आपके साथ है मैं छोड़ूंगा
पास आ गया मैं तेरी गोद में सर रखकर सब सब जाऊंगा सब ठीक है पाजी मेरे सराहनी है साहब मुझे भी चलना आपके साथ शुक्रिया साहब चला जा तुझे इसकी सजा देगा
ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी। ऐशा सिंह हमें culpa se dice toda esa área que ni cosicha. Y esa área que ni tiene de Hindustán. Pero mi dos zapatos le va a la Escher Singh. De Hindustán. Eres sad. Me chime me le va a la. Abandar Escher Singh. Bogdan.
क्या हुआ है शेर सिंह? ये डर गया तुम्हारा गुरूर है? हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गए। शेर सिंह सारे के लिए हार गए। ओए शेर सिंह सारे के लिए हार गया। ए शेर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को देगा। इसको आपको बहुत खौफ है, अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। तुम्हें शेर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है और मैं तेरे सामने खड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सरगड़ी हमारी है। अल्लाह तो ठीक है फिर, अपने आखिरी सांस की तैयारी करें शेर सिंह। Thank you.
Let's go inside.